नमस्कार दोस्तों जो हर हाँ एग्जाम में आप लोग को स्वागत है जैसा कि कल हम लोग पार्ट वन एट सेट नंबर ऑफ एट का पार्ट वन हम लोग कर चुके थे जिसमें हम लोग वन से फिफ्टी तक का क्वेश्चन को देखे थे तो आज उसी को निरंतर हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग फिफ्टी वन से हंड्रेड तक की क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं तो ये वीडियो लेडी सुपरवाइज़र के एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होगा तो आप लोग ये सेट लगाते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और देखते ये कि आप आप लोग का कितना स्कोर आता है हंड्रेड में समझिए तो आप आ, आप लोग को जितना स्कोर आता है आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कितना स्कोर आता है इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आप लोग का तैयारी हो रहा है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन में है महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है तो क्या दार्शनिक आधार है सर्व सर्व सर्वाद बौद्ध दर्शन संख्या दर्शन जैन दर्शन इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट कवित्री कैसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है तो कैसी देती है निराला जी को स्वयं को प्रसाद जी को पतन जी को तो किसको सीख देती है कविति मधुर मधुर जलने की सीख किसको देती है तो देती है इसको निराला जी को देती है देते हैं नेक्स्ट छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखते हैं अनिवार्य रूप में यथार्थ रूप में आदर्श के रूप में इनमें से कोई नहीं तो ए, किस किस रूप में रखते हैं छायावादी कवि प्राण के तो यथार्थ रूप में रखते हैं नेक्स्ट वज्र भाषा में प्रसाद किस नाम से कविता लिखते हैं तो किस नाम से मुरलीवर शशिधर कालाधर इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ये कालाधर हो जाएगा नेक्स्ट दिनकर जी के माता का नाम था मन रूपी देवी सुमित्रा देवी देवंती देवी रजनी देवी तो क्या नाम था उनकी माता का नाम तो दिनकर जी का मन रूपी देवी नाम था क्या नाम था मन रूपी देवी थी नाम था तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन माता उसे फिर संस्कार तुम देना इस किस कविता की पंक्ति है जो ये एक पंक्ति है ये किस कविता के माता उसे फिर संस्कार तुम देना ये किस पंक्ति की है किस कविता की पंक्ति है कलगी बाजेर की नदी के द्वीप एक सनाटा बुनता इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर होगा नदी के द्वीप ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन बल बलचंद नामा अग्रतारा हिरक जयंती उपन्यास किन की है तो किनकी अजय की, की मुक्तिबोध की नरेश मेहता की नागार्जुन की तो किसकी है ये नागार्जुन की है ये उपन्यास नेक्स्ट दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जो दिनकर जी की पहली जो कविता थी तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी छात्र सहोदर धर्मयुग हंस दिनवान तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छात्र सहोदर हो जाएगा जो दिनकर जी की जो कविता में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी छात्र सहोदर फर्स्ट बार नेक्स्ट अज्ञेय जी कब इनेक्से की यात्रा पर गए थे तो कब गए थे उन्नीस सौ पचपन में उन्नीस सौ साठ में उन्नीस सौ साठ में उन्नीस सौ पैंसठ में तो कब गए थे तो उन्नीस सौ पैंसठ में गए थे यात्रा करने नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दया सक्सेना द्वारा लिखा गया तो कौन सा नाटक सर्वेश्वर दया सक्सेना द्वारा लिखा गया लड़ाई मोची राम बकरे बी और सी दोनों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी और सी दोनों नेक्स्ट मुझे लिखो मैं कटी हुई अंगुलियां हूँ जिसे भूख में खा लिया है उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से तो मोचीराम से लोहे का स्वाद से मैं हूँ हाहाकार से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाहा मैं हूँ इसका आंसर हो जाएगा इस कविता की पंक्ति है नेक्स्ट नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो कौन सी स्थान रखती है महत्वपूर्ण कौन पंखों वाली स्वदेशी शासक युग धारा संत रंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काल के कवि थे तो किस काल के कवि थे आधुनिक काल के काल के आदिकाल के भक्ति काल के तो किस काल के कवि थे ये सर्वेश्वर दया सक्सेना तो ये थे आधुनिक काल के एक कवि हैं नेक्स्ट इसको याद करके रखिए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक काल के कवि हैं ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में देखा देखने को मिल सकता है नेक्स्ट धूमिल कलकत्ता पहुँचे ना ना। तो वह सर्वप्रथम क्या काम किए थे तो सर्वप्रथम क्या काम किए थे ईट ढोने का काम किए थे लोहा ढोने का काम किए थे मिट्टी गिट्टी ढोने का काम किए थे मिट्टी ढोने के काम किए थे तो कौन सा काम किए थे तो लोहा ढोने का, का काम किए थे धूमिल जो कलकत्ता में जाके प्रथम सर्वप्रथम लोहा ढोने का काम किए थे धूमिल जी नेक्स्ट भोला की पुत्री का नाम क्या था तो भोला का पुत्री का नाम क्या था रूपा झुनिया बनिया सोना तो क्या नाम था भोला पुत्री के पुत्री का नाम तो भोला का पुत्र का नाम था झुनिया जु, नेक्स्ट कालचरण को किसका शौक था शिकार का पहल पहलवानी का चौपाई का शतरंज का तो किसका शौक था कालीचरण का शिकार का शौक था उसको नेक्स्ट राग दरबारी कैसा उपन्यास है अलंकिक है आदर्शवादी है मनोवैज्ञानिक है इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये कैसा है तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट मरते हुए के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है तो कविता काव्य महाकाव्य कहानी नाटक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य नेक्स्ट आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचानने लगते हैं रामदास को सुमृत दास को, को वनवास दास को बल बालदेव को तो किसको देख के पहचानने लगते हैं आश्रम के बूढ़े कुत्ते को किसको देखकर पहचानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाव दास बाव राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटना क्रम कौन सा गांव है कौन सा गाँव है तो शिवपालगंज भेरीगंज बेलारी इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शिव पालगंज हो जाएगा जो राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम बताया गया है ये शिवपाल गंज का नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था तो कब हुआ था 1840 चालीस में 1850 पचास में 1860 साठ में 1870 सत्तर में तो इनका जन्म कब हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो जन्म हुआ था अठारह पचास ईस्वी को हुआ था नेक्स्ट धूर स्वामी में कुल कितने गीत हैं तो सॉरी दोस्तों स्वामी नाटक में कुल कितने गीत हैं तो पाँच चार तीन सात तो कितने गीत हैं धूर स्वामी नाटक में गीत तो इसमें गीत है चार गीत हैं नेक्स्ट आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है तिखी है पैनी है व्यंगात्मक है आलोचनात्मक है तो कैसी है ये आलोचनात्मक है आधे अधूरे प्रयुक्त शैली में कैसा है शैली नहीं है आलोचनात्मक है भारत दूरदर्शा नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शास्त्र में अपना अंत करा करता है तो कट कटार से चाकू से तलवार से धोरी से तो किसे अंत करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर कटार से अंत करता है लिखा गया है धोस्वामिनी राजश्री विशाल कामना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोस्वामिनी क्या हो जाएगा धोस्वामिनी नेक्स्ट आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है तो कौन है विष्णु प्रभाकर मोहन राकेश डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल मोहन राकेश तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा क्या हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल नेक्स्ट ठाकुर के जमादार का क्या नाम था तो क्या नाम था बल्लू सोरा लल्लू तो क्या नाम था ठाकुर के जमादार का तो उसका जमादार का नाम था लल्लू क्या नाम था लल्लू था नेक्स्ट ठाकुर के कुआ का प्रकाशन वर्ष कब है उन्नीस सौ बत्तीस उन्नीस तो कब है ठाकुर की कुआ का प्रकाशन वर्ष तो उन्नीस सौ ईस्वी को है कब है उन्नीस सौ ईस्वी कब उन्नीस सौ नेक्स्ट नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह यथार्थवादी आदर्शवादी सॉरी दोस्तों मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद या मार्क्सवाद तो किसी का कहानी है ये तो ये कहानी है मनोवैज्ञानिक है नेक्स्ट नीलम वर्मा का निधन कब हुआ था तो कब हुआ था सन 1970 सौ सत्तर ईस्वी उन्नीस सौ बहत्तर अठारह सौ उन्नीस सौ अठहत्तर उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी में तो निर्मला वर्मा का निधन कब हुआ था तो इनका निधन हुआ था सन उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी में कब उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी में नेक्स्ट दिल्ली में एक मौत कहानी में है दिल्ली में एक मौत की कहानी है व्यंग की चुटकी करुणा की असुधरा ये दोनों इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा व्यंकी चुटकी और करुणा की अशुधरा नेक्स्ट रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते थे तो कहाँ जाते थे अपने घर तीर्थ यात्रा पर दोनों इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर तो रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते थे तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ जाते थे अपने घर जाते थे जबकि तीर्थ यात्रा पर नहीं गए थे नेक्स्ट यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा अपराध के कारण भ्रमण की का के कारण, कारण स्वाधीनता संग्राम के कारण तो किसके कारण जाना पड़ा यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था तो स्वाधीनता संग्राम के कारण नेक्स्ट रिटायर अंग्रेज मेजर के से शादी किसने की थी तो किसने की थी मिसपाल रंजीत और भी दोनों इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा और रंजीत रिटायर अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी तो और रंजीत ने इसका आंसर क्या हो हो जाएगा बी सी जाएगा नेक्स्ट प्रसाद की कहानियों में कौन सा साहित्य और सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त है तो आदर्शोमुख विशुद्ध यथार्थवाद आदर्शवाद यथातवादी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुख हो जाएगा नेक्स्ट प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में कौन 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 से पात्र हैं साहू जोखू इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ये सभी हो जाएगा नेक्स्ट जनेन्द्र की कहानियों में पुट है नैतिकता है भौतिकता दार्शन है दार्शनिकता है इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दार्शनिकता है नेक्स्ट स्पेशल सर्विस में आने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने किसे माना किया था तो किसे क्या? मिस्टर हुबर्ट ने करीमुद्दीन को लतिका को मिस उड को बुड को तो किसे माना किया था डॉक्टर मुखर्जी ने तो माना किया था मिस्टर अबोटर का नेक्स्ट कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत में कौन से पात्र हैं तो एक मौत में कौन कौन से पात्र हैं में हैं तो शेख सेठ दीवान चंद अतुल मावा ने ने ये सभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ये सभी सभी कोई है नेक्स्ट गजाधर बाबू रेल की नौकरी कितने वर्ष रहे कितने वर्ष कर रहे थे पैंतीस वर्ष छत्तीस वर्ष इकतीस वर्ष या अड़तीस वर्ष तो कितने वर्ष पैंतीस वर्ष तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैंतीस वर्ष नेक्स्ट यशपाल की कहानी है, अभी सप्त में कौन कौन सी कहानी है ज्वाला है शुक्ला है लल्लू है ये सभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये सभी ज्वाला भी है शुक्ला भी है लल्लू भी है नेक्स्ट मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी में उन्नीस सौ छब्बीस में उन्नीस सौ सत्ताईस में उन्नीस सौ में तो कब जन्म हुआ था 1925 ईस्वी को नेक्स्ट संदेश राशक के लेखक है चंद बरवदाई जगनेक अब्दुल रहमान नरपति तो संदेश राशक के लेखक कौन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहमान हो जाएगा जो संदेश राशक के लेखक हैं नेक्स्ट अभरंश को पुरानी हिंदी किसे कहा है चंद्र चंद्रधर शर्मा मुगुलेरी भारतेंदु श्याम सुंदर दास ग्रिशा, ग्रिया तो किसने कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है कि अभरंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी नेक्स्ट देतवाद के प्रणेता है कौन है रामार्जुन रामानुजानचार्य रामानंद ब्रह्माचार्य मध्वाचार्य तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य हो जाएगा नेक्स्ट मेरा भाई की उपासना है दास्य भाव वात्सल्य भाव मधुर्य भाव संख्य भाव तो क्या हो जाएगा इसका आंसर तो मधुर्य मधुर भाव हो जाएगा नेक्स्ट देहाती दुनिया उप... उपन्यास के लेखक हैं वे राय शिवपूज सहाय पुनि स्वधर नाथ रेणु नागार्जुन तो क्या हो जाएगा सहाय हो जाएगा नेक्स्ट उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी है तो उन्नीस सौ बारह में उन्नीस सौ सोलह में उन्नीस सौ पंद्रह में उन्नीस सौ सत्रह में तो कब हुआ छपी थी तो उन्नीस अंदर आइए नेक्स्ट चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो लास्ट दो क्वेश्चन को देखते हैं तो कौन सा निमंत संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो ये चारों में कौन सा निमंत जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो आलोक पर्व कुटूज कल्पता विषाद योग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कौन सा नहीं है तो विषाद योग जबकि ये तीनों नहीं का आलोक पर्व कुटूज और कल्पता जो हजार प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है जबकि विषाद प्रसूद विषाद योग एक नहीं हजार प्रसाद के द्विवेदी का निम्बन्ध नहीं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह स सी अज्ञा राजेंद्र यादव देवीशंकर अवस्थी अवस्थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाम वर सिंह हो जाएगा इस पुस्तक का लेखक यही है नाम वर सिंह तो चलिए दोस्तों आज लोग आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं फिर हम लोग ने नेक्स्ट सेट में मिलते हैं थैंक यू